वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नगर कौके जिहड़ा महान सूरबीर योधिआं दी धरती दे तौर ते जाणिआ जांदा शाम सिंह अटारी सिख राज दा महान जरनैल, उस तो बाद भाई गुरदेव सिंह जी कौके जिन्हां ने धर्म ते कौम की सेवा की, संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवालिआं दे उस संघर्ष दे विच वड्डा योगदान पाया, शहादतां नूं प्राप्त होए। तो इस धरती की माता किशन कौर जिन्हों अज असी याद कर रहे हैं, जिन्हों का बड़ा वड्डा इतिहास के अंदर नाम है। माता दे घरों उन्हों का जिहड़ा पति जदों गुजर जाता है तो उस तो बाद माता जिहड़ी है वो 1903 के करीब हजूर साहब तो अमृत जिहड़ा पान करती है। तो उस तो बाद जिन्हें भी धर्म के युद्ध मोर्चे लगे, गुरद्वारा सुधार लहर के मोर्चे लगे, उन्हां सारिया मोर्चों च वड्डा योगदान है माता किशन कौर का। जे असी गल कर लीए कि ना गुरु के बाग के मोर्चे की, गुरु के बाग का मोर्चा बड़ा वड्डा एक इतिहास की घटना है। ये अकाल तख्त साहब तो हुक्म लैके सिंह जिहड़े आ गुरु के बाग के गुरद्वारा साहब नूं याद कराउण लई जांदे सी। ते हुक्म हुंदा सीगा कि किसे ने भी उत्थे हथों पाई नहीं करनी या झगड़ा नहीं करना, तो शांतमई जिहड़ा करना। यह इतिहास का पन्ना बहुत अपने आप दे विच वड्डा है। तो उस समय दे विच माता किशन कौर उस जथे नाल हर रोज़ उत्थे जांदी सी गुरु के बाग, तो जिन्हां नूं जिहड़ियां पुलिस दीआं डांगा मार के बेहोश करता जांदा सी, सट्टां वजदीआं सी, उन्हां नूं सेवा करदी सी। उस मौके बीटी नां दा अफसर जिहड़ा बड़ा जालम जाणिआ जांदा, तो उन्हें मखौल नाल इह गल कहती सी कि इह जिहड़े सिख ने जिन्हां नूं मैं मारदा वां तो यह दुबारा पानी नहीं मंगदे। उस टाइम तो इतिहास की गवाही है कि बीटी दे एक ऐसा थप्पड़ मारिया सी जिहड़ा कि पलट के डिग पिया सी, भावें कि जिहड़े जथे वास्ते हुक्म सी कि उन्होंने हाथ नहीं चुकना, पर माई ने यह गल कही कि सिखां नूं इस तरह की गल कहनी उन्हूं बर्दाश्त नहीं हुई। उस तो बाद जिहड़ा जैतो का मोर्चा जिहड़ा जिहदी असीं 100 साला शताब्दी अगली फरवरी अगले साल की फरवरी मना रहे हैं, उस मोर्चे दे विच भी वड्डा योगदान है। उस मोर्चे दे विच जदों बगराड़ी जथा पहुँचदा अकाल तख्त साहब तो उस जथे नूं मारन दे विच लई उन्होंने वड्डे प्रबंध किए सी। ते माता किशन कौर ने भेस बता के उदों गंगसर जथे पहुँची, उत्थे उन्हें उत्थों की सारी बणतर देखी। उस बणतर तो बाद आ के जदों दस्या तो यह जथा जिहड़ा सीधा गंगसर जैतो पहुँचने की बजाय ये टिब्बी साहब पहुँचा सी, तो जथे का बचाव हो गया सी, भावें कि नुकसान जिहड़ा बहुत होया। तो उस समय च इस गल के मद्देनज़र माता किशन कौर नूं 4 साल की जिहड़ी कैद हुई, जदों कि 1928 दे विच जिहड़ी कि रिहा हुई। सो माता की करनी जिहड़ी आ, मैं समझदा कि माई भागो दे उस रस्ते ते चलदे आ, बहुत वड्डी महान है ते इतिहास दे विच बहुत वड्डा सत्कार है। सो जिहड़ियां शताब्दियां मनाईयां गईयां इन्हां दे विच माता किशन कौर नूं हमेशा याद किया गया। अज इस इलाके दे खास तौर पर नगर कौंके अते गुरुसर दीआं संगतां गुरद्वारा गुरुसर कौंके, क्योंकि ये गुरुसर कौंके उस दे जीवन दे नाल जुड़िया होया जिहड़ा स्थान है, 6वें पातशाह दा स्थान है। उसने जिंदगी दा आखिरी पड़ाव जिहड़ा इस गुरद्वारे च रह के जिहड़ी सेवा कीती है, सो अज इस गुरद्वारे दे विच, क्योंकि 1952 विच ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਵਿਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਕੇ ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।